ब्लॉक खंदौली के खेड़ा हाजीपुर प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि के अंतर्गत देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आज ब्लॉक खंदौली के गांव खेड़ा हाजीपुर में सफाई अभियान चलाया गया, जिससे ग्राम प्रधान राजकुमारी देवी ने गाँव में बने खरंजा व नालियों की सफाई कराई। ग्राम प्रधान राजकुमारी देवी ने कहा कि जब हमारे देश में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी साफ सफाई करा सकते हैं तो हम ग्रामीणवासी क्यों नहीं करा सकते। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमारी है और ग्राम सभा का नाम हाजीपुर खेड़ा है। जैसे इस गांव के जो विकास है, ये सफाई अभियान चल रहा है, ये कब से चल रहा है तुम्हारा? ये अभी 8 दिन पहले सूर्य सदन में बैठक हुई थी जी, उसमें मैं गई थी तो मेरे को बताया था कि जितने प्रधान हैं सब मिलके अपने अपने गाँव में अच्छी तरीका से सफाई करवाओ, तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मेरा गांव सबसे सुंदर बने, अच्छी सफाई हो, उसी कार्य में मैं लगी हुई हूँ। आपकी पंचायत में कितने गांव आते हैं? 5 आते हैं। 5 गांव में इसी तरीके से कार्य चल रहा है? देखो जितना पैसा आता है उतना मैं कार्य करवा रही अच्छी तरीका से, 5 गांव में विकास हो रहा है, खूब जा के मैं करवाती हूँ और मैं आगे भी यही चाहती हूँ कि मेरे ग्राम सभा में अच्छी तरीका से विकास हो और मैं खूब सेवा करूँ गाँव वालों की। जनता आपसे कितनी खुश है? अब जनता तो आप जानते ही है, कुछ दुखी भी रहते हैं, कुछ सुखी भी रहते हैं, एक जैसी पब्लिक तो होती नहीं, तुम जानते हैं, पर मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि अपनी पब्लिक को मैं अच्छी तरीका से अपने फेवर में करूँ और उनको मैं विश्वास जीत सकूँ और विकास अच्छी तरीका से करवा सकूँ, और यही मेरी दुआ है, जो मेरे साल बचे हैं अच्छी तरीका से गाँव में विकास करवाऊँ और पूरा मेरा 2 साल पब्लिक के लिए। जनता का प्यार कितना है आपको? अब प्यार तो तुम जानते कितना मिलता है, महिला प्रधानों पति घर पर रहते नहीं है। विकास के सवाल पर उन्होंने कहा कि सपा शासन में भी विकास हुआ था और अब जब प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो भाजपा में भी विकास को पंखा लगाने का काम करेगी। श्रीमती राजकुमारी देवी ने बताया कि पहले गांव में कार्य कराया था और आगे भी कराएंगे कि हमारा गांव सबसे अच्छा और गांव में एक ही तालाब है जिसे लेकर गांव का पानी जाता है, लेकिन अभी सारे गांव का पानी गांव में पानी जाता है लेखपाल द्वारा पैमाइश करके उन्हें भी दिखाया गया है। इसके अलावा गांव में एक सफाई कर्मचारी की भी नियुक्ति है जो समय समय पर गांव की नाली खरंजा की सफाई करता है। प्राइम 18 न्यूज़ जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।